नहीं है तो क्या खराबी है, कौन बताया? सिग्नलिंग होती तो आवाज अब कॉल ही नहीं मिलती, सिग्नलिंग कॉल मिलाती है। सिग्नल जो है सारी वॉइस कॉल यूटीसी पे है, ठीक है। सिग्नल्स अगर नहीं मिल रहे तो आवाज कॉल थ्रू नहीं हो रही, सिग्नल नहीं पहुंच। एक लेयर से एक कॉल के लेयर होते हैं, ये सिग्नल का लेयर है, फिर वॉइस का लेयर है। जब सिग्नल्स थ्रू हो जाएंगे तो कॉल कनेक्टेड आ जाएगी, आवाज नहीं आ रही होगी तो यहाँ प्रॉब्लम है। अभी मैंने उस दिन फोन करके अली को समझाया था कि कनेक्ट हो रही है कॉल, बल्कि मेरे पास कॉल आ रही है यहाँ से, आपके पास घंटी बज रही है, मेरे पास कॉल आती है तो उठाता हूँ, वहाँ से एक्नॉलेज नहीं आता। तो क्या होता है, सिग्नल के अंदर एक्नॉलेज आती है, जिस तरह किसमें एक्नॉलेज थी, इस तरह एक्नॉलेज आती है। जब एक्नॉलेज आती है तो हम कहते हैं ओके कॉल कनेक्ट हो गई, आवाज़ को थ्रू कर दो। जब तक सिग्नल मैच नहीं करेंगे आवाज़ थ्रू नहीं होती, हैंडशेक हो जाएगी। जब हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है तो पैसे बिलिंग शुरू हो जाती है, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। तो कहाँ खराबी है, यहाँ नहीं खराबी, यहाँ खराबी है, ठीक है। या आपके सिग्नल के प्रोसेसिंग में खराबी है कि आपने एक्ट पकड़े बगैर आवाज़ छोड़ दी। तो होगा क्या इस वक्त कि आप अमेरिका कॉल राउट करते हैं वहाँ से, अच्छा क्योंकि दुनिया में डिफरेंट ज़बानें हैं, यहाँ कॉम्प्लिकेशन आएंगे। क्यों है इतनी सारी चीज़ें, 110 है अमरीका में, पाकिस्तान में 220 है, अमेरिका में इंग्लैंड बोल रहे हैं, पाकिस्तान में उर्दू बोल रहे हैं, पंजाब में पंजाबी बोल रहे हैं। तो एज टाइम इवॉल्व हर एक ने अपने अपने सिस्टम्स बना लिए, और जिनकी ईगो ज़्यादा थी उन्होंने कहा तुम्हारी जैसी की तैसी हम अपना सिस्टम चलाएंगे, ठीक है। उर्दू एंड हिंदी इज द सेम लैंग्वेज रिटन डिफरेंटली बिकॉज ऑफ लड़ाई झगड़ा हो, हमारे तो वहाँ हो ही सकते भाई, हमारी माता हम बहुत अच्छे, वो वहाँ पे हम बहुत अच्छे, चलो भी लड़ते हो लड़ी हम चुप थे। तो सेम प्रॉब्लम हेयर आता है क्योंकि अमेरिका में यू लॉ नहीं चलता है और बाकी दुनिया में यही लॉ चलता है। ये जो है ये अगेन प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो आवाज़ मैच सिग्नल्स पूरे पूरे नहीं आ रहे होते, जैसे फॉर एग्जांपल एक सी सेवन सिग्नलिंग होती है, एक एस सेवन सिग्नलिंग होती है। आपने सिग्नलिंग पूछा था, ये सी सेवन और एस सेवन, सी सेवन इज अमेरिका, एस सेवन इज यूरोप, ठीक है। तो एक जो आ रहा है इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो फर्क लिखा होता है इसके अंदर। इफ इट्स गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के आसान अल्फाज में समझाऊँ, बट फिर भी ये मुझको, ये मेरे 20 साल का निचोड़ में आपको 5-10 मिनट में बता रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल से सीखे, कोई नहीं सिखाता, अगेन कोई नहीं सिखाता। हाँ तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, इट्स नॉट रेलिवेंट, दिस मेजॉरिटी ऑफ दिस इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है। हम अगर फोकस रह के काम करेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम घूम फिर के आते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम सबसे है कि कॉल यहाँ से शुरू होती है, कॉल यहाँ एंड होती है, बीच में हम कॉल के अंदर बैठे रहते हैं, हम उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसका एक नुकसान वॉइस में डिले आता है, ठीक है। दूसरा नुकसान हमारा सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, ठीक है। फ़ायदा हम उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरा फ़ायदा कॉल के ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं। अगर हम एस्टर हटा के सर उसमें उसको भी तो वेंडर और कस्टमर को कनेक्ट ही तो नहीं देने, जब आईपी चेंज करा हमने नहीं आ जाए, डजंट मैटर, उसके बाद परमिशन नहीं आएगी, डजंट मैटर, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप हाइड करना तो हाइड कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा सिर्फ हेडर को चेंज करके बदल सकते हैं। कॉल आई डी के अंदर एक कॉल का आई डी आ रही है, लिखा है वेराइजन कॉल नंबर 123, आप उसको ख़त्म करके डी आई डी कॉल नंबर 123 सब लिखा, सॉरी।